वेलकम स्टूडेंट क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ। मैथ का हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन का एक फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन देखा था, आज हम देखने वाले डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा था कि हम पॉइंट कैसे निकाल सकते, फिर हम पॉइंट निकाल के उसका मल्टीप्लाई कैसे कर सकते। आज हमें डिवीजन करना है 6.2/2। तो हमें क्या करना है, इससे पहले 6.2 है तो 6.2 का हम क्या कर लेंगे, पॉइंट निकाल देंगे इजी करने के लिए। और पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो पॉइंट है नीचे कितने आएंगे, 1 आएंगे, फिर ये पॉइंट कितने था, पॉइंट के बाद एक ही नंबर था इसलिए 1 ही 0 देते, फिर यहाँ पे डिवाइडेड 2। तो ये जैसे यहाँ पे 2 एक सिंगल नंबर है, उसके साथ कुछ नहीं है, लेकिन उसकी डिवाइडेड कितना होता है, 1 होता है। जो डिवाइड में जो 1 होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, और ऊपर होगा तो वो हाफ हो जाएगा, ऊपर होगा तो वो हाफ हो जाएगा, लेकिन नीचे है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम यहाँ पे 1 दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि अभी उसका ये जो डिवीजन का साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है उसका डिवीजन का मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 62/10। अभी हमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि 1 ऊपर आ जाएगा, 2 कहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई का साइन, डिवीजन का साइन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और ये 1/2, ठीक है, 1/2 आ गया। अभी आपको क्या करना है कि ये जो 2 है, 2 से आपको ये 60, तो हम 2 से 62 को डिवाइड करेंगे, देख ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 62। तो 6 के टेबल में, 2 के टेबल में 6 है, 2 3 6, फिर यहाँ पे ये 2, फिर 2 1 2, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पे, 31 डिवाइड बाय, क्योंकि ये हमने यहाँ पे ऐसे कट कर दिए, 31, ठीक है, 31, और ये हमारे 10 बचे। तो अभी हमें क्या करना है, इस 10 से क्या करना है, 31 को यहाँ पे डिवाइड करना है। तो हम ये 10 और ये 31, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3, ठीक है, 10 3 कितने होते हैं, 30 होते हैं, फिर यहाँ पे कितने बचे, 0, फिर ये 1। तो यहाँ हम कहते हैं कि यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 ले लेंगे। पॉइंट का मतलब क्या था, यहाँ हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं, फिर 10 1 का कितने होंगे, 10 होंगे, तो यहाँ पे आंसर 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितना है, 3.1 आया। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 62 का पॉइंट निकालने के लिए क्या किया था, नीचे 1 दिया था और पॉइंट के बाद जितने नंबर थे उतने यहाँ पे 0 दिया था। तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 1 0 है, तो आप क्या करेंगे, पीछे से एक नंबर काउंट करके यहाँ पे पॉइंट दे दोगे। डिवाइड कर से कर, मतलब डिवाइड अगर आपको लॉन्ग जा रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 10 है, 10 के 10 में कितने 0 थे, 1 0 होते, फिर लास्ट से काउंट करो, 1 0 इसलिए 1, तो यह पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। डिविजन से आप ऐसे भी कर सकते हो शॉर्ट में। फिर एक थर्ड सेकंड आपको दिया है 3.4/5। तो 3.4/5 करने वापस हम क्या करेंगे कि पॉइंट निकाल देंगे। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितना नंबर था उतना 0। तो ये 3.4 था, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर था, एक ही नंबर था, 1 के बाद 1 0, फिर डिवाइड बाय 5 के नीचे कुछ नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे कि उसका डिवाइड जो साइन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 34/10 × 1/5, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे कि आप उसका अपसोट डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर उसका मल्टीप्लाई, जैसे 34 और 5 × 10 = 50, यानी 10 5 = 50। ये एक मेथड थी। एक दूसरी मेथड है कि आप पहले क्या कहता था, डिवाइड हो रहा था, हमने डिवाइड कर लिया। इस सेकंड वाले में हम क्या करेंगे कि डिवाइड ऐसे फुल्ली नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सामने वाले नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। या तो आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ कि क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले नंबर को डिवाइड कर देते हो, 34 × 1, फिर ये 10 × 5। अब आपको समझ में आएगा कि वो 34 कैसे, तो 34 1 34, फिर 10 5 = 50। अभी हमें क्या करना है, 50 से 34 को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 लेंगे, यहाँ पे 34,
तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो 50 वो बड़ा नंबर है और 34 क्या छोटा, तो हम क्या करेंगे जीरो से पहले वो नंबर लीजिए ले लेंगे, तो यहाँ पे 34 ठीक है, पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ठीक है। तो अभी क्या देखिए 50 के टेबल में यहाँ पे कितने आते हैं, 300 आते हैं ठीक है, तो 56 का 300, फिर यहाँ पे हमारा ये 0, ये 4, 3 - 3 0, तो ये हमने ये पॉइंट लिया, तो हम यहाँ पे और एक जीरो ले सकते हैं। फिर 50 के टेबल में 400 आते हैं, 50 8 400, तो यहाँ पे कितने आएंगे 54 800, तो ये 0 में से 0 गया 0 0 और यहाँ पे 0, तो हमारा आंसर कितना आया 0.68, हमारा आंसर आया था 0.68। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, थर्ड वाला 4.8 / 1.2, तो अभी हम क्या करेंगे बिना पॉइंट में लिखेंगे 48 / पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो यहाँ पे 10 का साइन, यहाँ पे 1.2 था तो 12 करेंगे इसको और पॉइंट निकाल के नीचे के लिए 1, और पॉइंट के बाद कितना नंबर है एक नंबर है, तो 0 भी कितना देंगे 1। फिर हम क्या करेंगे डिवाइड का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 / 10 पहला वाला वैसे रखना है, नेक्स्ट वाला चेंज करना है 10 ऊपर फिर 12 नीचे, फिर क्या करेंगे सामने वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 48 × 10 / 10 × 20, तो यहाँ पे कितने आएंगे 480 / 120, तभी 20 के टेबल में 48 आते हैं। देखिए आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, ये जो साइन है ये वाला इसका मतलब क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या होते हैं कटते हैं, तो ये 0 कट जाएंगे, फिर 12 × 1 = 12 = 12 × 4 = 48, तो हमारा आंसर कितना आएगा 4 आ गया। तो यहाँ पे 4 / 1 क्योंकि 12 × 1 = 10 और 12 × 4 = 48, लेकिन इसका मतलब होता है कि नहीं, तो हम कितने लिखेंगे इसे 4 लिखेंगे, 1 होगा तो वो 1/4 होकर हो जाएगा, लेकिन वो नीचे है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम आंसर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट एग्जाम्पल है कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन, ये जो आपको नीचे डिवीजन दिए गए आपके बुक में वो आपको सॉल्व करने, तो यहाँ पे 4.8 / 2, तो इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे बिना पॉइंट के लिखेंगे 48, फिर पॉइंट के बाद कितना नंबर है एक ही है, तो 0 कितने लेंगे 1 के बाद में 1 लेंगे, फिर ये डिवाइड का साइन ये 2 है, 2 के नीचे कितने आएंगे 1 आएंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप क्या है कि मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 48 / 10 × 1 ऊपर लेंगे और 2 क्या लेंगे नीचे लेंगे, तो वापस से हम क्या करेंगे 2 से 48 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है उसको, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 4 = 8, तो कितने आएंगे यहाँ पे 24। तो अभी देखिए जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे 10 है, 10 के ऊपर कितने 0 होते हैं 1 0 होते हैं, तो पीछे से एक नंबर कॉल करके पॉइंट दे देंगे, या तो आप डिवीजन भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आएंगे 10, यहाँ पे आएंगे 24, तो 10 × 2 = कितने होते हैं 20 होते हैं, यहाँ पे 4 बचेंगे, यहाँ पे पॉइंट आएगा 40 करेंगे, और 10 × 4 = कितने होते हैं 40, तो हमारा आंसर कितना आएगा 2.4। तो ऐसे आपको बाकी के डिवीजन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, अ वर्ल्ड इज अ 4 किलोमीटर एंड 8 मीटर्स लॉन्ग, इफ ट्रीज आर प्लांटेड ऑन बोथ साइड इट्स साइड एट इंटरवल ऑफ 9.6 मीटर, हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड। तो क्या एक रोड है कितने 4 किलोमीटर एंड 8 मीटर्स का एक रोड है लॉन्ग, आप क्या करो कि अगर हमने दोनों साइड की तरफ अगर 9.6 मीटर के ऐसे प्लांट किए, तो कितने ट्री हम उसमें लगाएंगे ऐसे हमें पूछा गया है, तो लेंथ ऑफ रोड कितनी है यहाँ पे, लेंथ ऑफ रोड तो कितनी है हमारी यहाँ पे 4 किलोमीटर है प्लस 8 मीटर ठीक है, तो हम इसका एडिशन करेंगे, तो ऐसे 1 किलोमीटर 1 मीटर तो होता नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे 4 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 4 × 1000 + 800, फिर 4 × 1000 कितने होते हैं 4 × 4 = 4000 होते हैं, फिर ये 4000 + 800, तो हमारा आंसर कितना आएगा 48 मीटर है। तो अभी ये जो 48 मीटर है तो ये इतने वो रोड है ठीक है, मीटर में हमने निकाला। फिर हमें क्वेश्चन किया था अगर हम दोनों तरफ ट्री प्लान करेंगे तो रोड को कितनी साइड होती है, एज कितने होते हैं 2 होते हैं, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 48 100 ठीक है। फिर हमें क्या बोला है कि इंटरवल्स ऑफ
9.6, तो 9.6 को हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड 9.6। तो अभी हमने जैसे अभी डिवीजन में देखा, तो हम क्या करते हैं, ये टू टू के लिए है क्योंकि रोड को क्या होते हैं, टू साइड होती है, फिर 4800 यहाँ पे डिवाइड। फिर हमने क्या किया था कि इसको पॉइंट निकाल देते हैं 96, और कैसे निकालते हैं, डिवाइड में वन लेते हैं, वन के बाद जितने पॉइंट के बाद नंबर होंगे उतने जीरो, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर, एक ही नंबर है, तो यहाँ पे 10। फिर क्या करते हैं, डिवाइड का साइन चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये टू, फिर 4800 मल्टीप्लाई 10 ऊपर और ये 96 जो है वो नीचे। फिर क्या करेंगे, ये टू, फिर क्या करेंगे, 4800 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पे 48,000, एक जीरो यहाँ पे लग जाता है मल्टीप्लाई करने से। फिर डिवाइड बाय कितने है, यहाँ पे 96। अभी हमें क्या करना है, 96 से क्या करना है, ये 48,000 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो ये हमारे 96, फिर ये 48,000। तो अभी हमें 96 का टेबल नहीं आता, तो क्या करेंगे, हमें वन बाय वन ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, यानी टेबल हम कैसे तैयार करते हैं, पहले वो नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर टू से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 96 आर करते हैं हम, 26 आर 12, टू लेंगे, फिर वन कैरी, फिर टू नाइन आर कितने 18, 18 प्लस वन कितने होते हैं 19। तो ये हम देख रहे हैं कि छोटा नंबर आया, तो क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हम कितने लेंगे 5, तो 5 6 आर डायरेक्ट 5 3। तो हमने डायरेक्ट 5 इसलिए लिए क्योंकि जैसे जैसे हमने 2 से इसको डिवाइड करके देखा तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 192 आ रहा है। तो देखिए ये छोटा वाला नंबर है, तो 3 से भी डिवाइड करेंगे तो 200 आ सकता है, फिर 3 से करेंगे तो 300, तो हमें लेकिन हमें चाहिए क्या, 480 ऐसे उसके आसपास की चाहिए, तो इसलिए हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट 5 लिया है, 3 ना लेके, 3 या 4 ना लेके डायरेक्ट 5 लिया। तो 5 6 दर कितने होते हैं, 30 30 0, फिर 3 कैरी, फिर 5 9 दर कितने होते हैं, 5 9 45 45 के बाद हमें 3 क्या करने ऐड करने, 45 46 48, तो हमारा देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है 48। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 96 5 40 480, हमारा आंसर इतना है 5 96 5 480, ठीक है। तो लास्ट सेकंड स्टेप हमारी माइनस की होती है, तो 0 8 8 0 4 4 0, तो हमारे दो जीरो बच गए, तो ये हम ऊपर दे देंगे, तो हमारा आंसर कितना है 500। तो इनका डिवाइड कितना है, 2 × 500, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1000। तो कितने ट्रिप प्लान करेंगे हम, 1000, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 1000 आएगा, वो हम वर्ड्स में लिखेंगे, तो 1000 ट्रीज वेयर प्लांटेड, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे आपके बाकी के जो फर्स्ट क्वेश्चन के जो डिवीजन के वो सॉल्व करने, सेकंड के बाद जो वर्क प्रॉब्लम है वो भी आपको ऐसे सॉल्व करनी, ठीक है, थैंक यू।